आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली की महापौर का साफ तौर से कहना, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री होगी। जिस तरीके से विंध्य में सिंगरौली से हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम धीरे धीरे पूरे विंध्य में, पूरे प्रदेश में अपने पैर फैलाएंगे। हम पूरे के पूरे विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोग हमारी ओर देख रहे हैं, हम उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। जो कि आम आदमी पार्टी आगे कैसे रीवा विधानसभा से लेकर पूरे रीवा विंध्याचल क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी नवम्बर विधानसभा 2023 को लेकर, उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय रानी अकबर, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगी कि पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग प्रदेश से लेकर बूथ तक हमारा संगठन पूरा तैयार हो चुका है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के रूप में और हमारे राज्यसभा सांसद सम्माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरा संगठन तैयार हो गया और हमारे पूरे एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ हम सब मिलकर प्रदेश की जनता के घर घर तक पहुंचेंगे। और जो दिल्ली के मॉडल पर हम लोग ने काम किया है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसान भाइयों का हक, युवा भाइयों के लिए रोजगार, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे, बताएंगे। और जो स्थानीय मुद्दे मध्य प्रदेश के होंगे उन पे भी पहल कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाती है। और वो दिल्ली में काम हम लोगों ने करके भी दिखाए हैं, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली में, पंजाब में भी वो काम हो रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हम मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे और जनता तक ये बात पहुँचाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। एक मौका आप केजरीवाल जी को दीजिए, क्योंकि जनता एक बदलाव के रूप में चाह रही थी, परिवर्तन के रूप में, तो एक विकल्प आम आदमी पार्टी का है, उनको घर घर तक पहुंचाना है, हम सबको मिलकर, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को। तो इस बार मध्य प्रदेश में जनता जागरूक हो चुकी है और समझ रही है कि इस बार हम सबको बदलाव करना है। जनता समझ रही है कि 70-75 सालों से सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है और वो देख चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है। देखा उन्होंने कि पिछले कार्यकाल में किस तरह कांग्रेस की सरकार थी और किस तरह बीजेपी की सरकार बनी। तो इस बार बदलाव के मोड पे हैं और एक मौका केजरीवाल जी को जनता देगी, आशीर्वाद।